यार ये फिल्म तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव जो कि 19 फेब आ रही है और ये हमारा लास्ट सॉन्ग है फिल्म का, जब फाइनली जो शर्मा जो मेरा कैरेक्टर है फिल्म का प्रोटैगनिस्ट और मेरे साथ में जो मेरा जो ओसामा बनते हैं यानी प्रद्युमन जो एक्टर है, हम दोनों जो कैरेक्टर हैं हमने जो चाहा था वो अचीव कर लिया है एंड फाइनली ये गाना आता है। गाने का नाम है आइटम वाले। हमने एक्चुअली एक पन किया है जो आइटम सॉन्ग्स बनते हैं उस पर हमने एक आइटम सॉन्ग बनाया। यार मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे वैसे ही मुझे काम करना बड़ा अच्छा लगता है और फिल्में करने का तो मुझे बहुत शौक है, वही सपना लेके मैं मुंबई आया था और बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो ट्रेलर हमारा निकला है फिल्म का लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस आई होप यार ट्रेलर तक ही ना रहें, आगे फिल्म भी जाके इन्जॉय करें। यार देखिए उम्मीदें तो क्या होती हैं, हम काम करते हैं तो थोड़ी उम्मीद ज़रूर होती है कि हमने काम किया लोग पसंद करें, बाकी तो लोगों पे होता है यार। हमने जो करना था हम कर चुके हैं और इस इरादे से किया है, इस इंटेंशन से किया है कि लोग इंजॉय करें और ट्रेलर लोगों ने बहुत इंजॉय किया, सो अब हमें लग रहा है कि हाँ अगर ट्रेलर इंजॉय किया फिल्म भी इंजॉय करेंगे। और फिल्म तो यार जो कहानी है वो शर्मा जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसकी कहानी है कि किस तरह वो मुंबई से निकलता है, मुंबई पहुँचता है डायरेक्टर बनने, उसने डायरेक्टर बनना है, फिल्म डायरेक्ट करनी है और किस तरह उसको पद्दी यानी प्रद्युमन जो हमारे हैं जो कि ओसामा बनते हैं वो पद्दी कैरेक्टर मिल जाता है और वो उसको पकड़ के कैसे बेवकूफ़ बनाता है कि मैं तेरे को हीरो बना दूंगा एंड किस तरह कहानी आगे बढ़ती है, फिर पार्ट वन जो फिल्म बनी थी उसके बाद फिल्म में क्या होता है तो या उसके आगे की पूरी कहानी। हाँ यार मैं हर वक्त ऐसे ही होता हूँ, ज़्यादातर ऐसे ही होता हूँ। हाँ सिर्फ मैं कभी कभी जब मेरे घर से कभी कुछ फ़ोन आते हैं पर्सनल और कुछ पर्सनल टाइम होते हैं मेरे जब मैं ऐसा नहीं होता तो मैं थोड़ा अलग होता हूँ, अदरवाइज मैं जनरली हमेशा ऐसा ही होता हूँ। बिल्कुल यार थैंकफुली टू माई डायरेक्टर्स जो अलाउ करते हैं, बिकॉज एक एक्टर जो होता है वो वही करता है जो डायरेक्टर बोलता है, हम अपने आप कुछ नहीं करते और मैं अभी उस लेवल पर ही नहीं पहुँचा कि मैं खुद करूँ। मुझे अच्छा लगता है मैं अगर कोई सजेशन देता हूँ, मैंने अभिषेक सर को भी अगर कोई सजेशन दिया उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और वही सजेशन हम यूज़ करते हैं ऑल एक्टर्स जो कि हमारे डायरेक्टर को पसंद है अभिषेक सर। आगे कैसे रोल करना चाहेंगे? यार एक्टर हर तरह के रोल करना चाहता है, तो मैं सिर्फ कॉमेडी में सीमित नहीं रहना चाहता, मैं हर तरह का काम करना चाहता हूँ जिस तरह का काम लोगों को पसंद आए और जिस तरह का काम डायरेक्टर्स मुझसे कराना चाहें। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं मेरा तो हो गया ना पूरा। अब इधर बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, मैं तो नहीं आ रहा ना फ्रेम में। आप आएंगे तो आएंगे, फ्रेम और अच्छा हो जाएगा। और क्या करोगे आप साथ में आइए सर, आप मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस कर दो ना, मैं बुला लेता हूँ ना, मैं अंदर ऐसे करके घुस जाऊंगा ना, थोड़ा फनी कर दूंगा। और जिस कैरेक्टर की मैं बात कर रहा था पद्दी, वो पद्दी मेरे साथ ही है, पद्दी अच्छा बड़े ये फिल्म में जब भी आता है इसको मैं था चल बड़े सवाज तो चल बड़े सवाज जरा बताओ जानना चाहेंगे कितना अलग है या पहले जैसा है। देखिए जहाँ तक कि लुक का सवाल है काफ़ी सिमिलर है, जहाँ तक कि लहजा है इस बार पंजाबी है, पाकिस्तानी पंजाबी नहीं थोड़ी इंडियन पंजाबी है। ये जो किरदार है दरअसल जैसे मनीष ने बताया कि इसका नाम है पद्दी सिंह, दरअसल ये पंजाब का एक फोक सिंगर है जो मुंबई आया था गायक बनने, लेकिन मुंबई ने उसकी बुरे हाल कर दिए और उसे भिखारी बना दिया। तब से मनीष पॉल जो किरदार निभाते हैं शर्मा का वो मिलता है और शर्मा पद्दी को कहता है कि बेटा तू स्टार तो बनेगा लेकिन अपनी आवाज़ से नहीं अपने चेहरे से, और फिर किस तरह शर्मा पद्दी को लेके फिल्म बनाता है तेरे बिन लादेन पार्ट वन जो आपने देखी थी उसमें जो किरदार नूरा है वो इस इंसान पद्दी ने किया है। तो ये इस फिल्म तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव का किरदार है पद्दी। एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो इतनी बढ़िया फिल्म आप इंजॉय करेंगे उसको लिखने के पीछे इनका भी हाथ है, बाय द वे ये राइटर भी हैं फिल्म के। बिल्कुल 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 रहा है, और आप ये मान लीजिए कि जो उतार चढ़ाव आप इस फिल्म में देखेंगे इनके साथ हमारे साथ, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हर एक्टर के साथ ये रहा है, हर एंटरटेनर के साथ ये रहता है, तो कहीं वो एक रंजिश जो जिंदगी में जीवन में हमने की है कहीं ना कहीं वो हमने
कागज़ कलम से लिख दिए और उसी को पर्दे पे दर्शाया गया, लेकिन कहीं पे भी हम इमोशंस बटोरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फुल ऑन मस्ती है, मजाक है। और मेरे ख्याल से अगर आपकी स्ट्रगल्स पे आप हंस सके तो उससे अच्छी बड़ी बात कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं खुद लिख के खुद ही कर लूँगा। जो अभिषेक शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हमें इसको को राइट करना चाहिए, तो मैंने उनके साथ लिखी। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि जिस तरह के किरदार मैंने लिखे लिखना चाहा था, जिस तरह की फिल्म मैंने और अभिषेक ने सोची थी, हूबहू वैसी बनी है। और सोने पे सुहागा तब हुआ था जब मनीष पॉल इस फिल्म में आए थे, क्योंकि हमने जो ये शर्मा का कैरेक्टर लिखा था उसके अंदर एक बहुत बहुत ज़्यादा भूख एनर्जी और भूख ज़्यादा एनर्जी से ज़्यादा मैं कहूँगा भूख थी कुछ करने की। तो जब आप मनीष पॉल को देखते हैं, चाहे आप टेलीविज़न में देखें या कहीं पे भी देखें, उनके अंदर एक जोश और एक हंगर दिखता है मुझे, यू नो कि मैं किस तरह इतनी छोटी सी चीज़ को भी एंटरटेनिंग बना दूँ कि लोग खुश हो जाएँ। तो वही शायद भूख इस किरदार की शर्मा की थी, और इन्होंने माइंड ब्लोइंग है, ही इज़ प्रॉबली डन वन ऑफ हिज फाइनेस्ट वर्क। और मैं बोल सकता हूँ और चौड़े से बोल सकता हूँ कि मनीष पॉल इज द बेस्ट थिंग दैट इज हैपन टू दिस फिल्म। हम जानते हैं कि मनीष पॉल की एनर्जी पे मैच नहीं कर सकता एक्सेप्ट रणवीर सिंह, वो भी बहुत कमाल करना चाहते हैं। तो इनके आने के बाद सेट पे डिसिप्लिन तो रहा ही नहीं होगा। मैं बताता हूँ, इस फिल्म में एक और किरदार जिन्होंने निभाया है वो है सिकंदर खेर, एंड ही इज द डार्क हॉर्स ऑफ द फिल्म। उनका किरदार बहुत बहुत ही कमाल का है। ही इज प्लेइंग अ वाइट गाय एंड अ पंजाबी गाय, तो डबल रोल टाइप है, एक ही इंसान है पर वो अपना वेश बदलता है। तो हम तीनों की जो मतलब धमाल चौकड़ी थी, जो हम लोग मस्ती करते थे, वो अनपैरेलल है। और मेरे ख्याल से आप डायरेक्टर से जब ये पूछेंगे तो वो ज़्यादा बता पाएंगे कि हम लोग कितना मस्ती करते थे। लेकिन क्या है कि एक सबसे अच्छी बात जो मुझे इस फिल्म में लगी थी वो ये लगी थी कि चाहे वो मनीष पॉल हो, सिकंदर हो, मैं हूँ, या पीयूष भाई हूँ, पीयूष मिश्रा जो इतने दिग्गज एक्टर्स हैं, या बाकी जितने भी कलाकार थे, किसी के अंदर इनसिक्योरिटी नहीं थी। तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, और उस सपोर्ट जब हो जाता है ना, जब आपके को एक्टर्स कोई वाइनअपशिप नहीं थी कि मेरा सीन बेटर होना चाहिए, मेरी दो लाइन एक्स्ट्रा होनी चाहिए, वैसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट बड़ी बार हुआ, अगर मुझे कोई लाइन मिली मुझे लगता था नहीं यार ये तू कह ज़्यादा अच्छा लगेगा, सिमिलरली इसके पास कोई लाइन है इसने मुझे दी, अगर सिकंदर कोई सीन कर रहा है तो ही वुड इमीडिएटली कमेंट से कि यार तू ये दो लाइंस ऐड कर, आई थिंक वो सीन को एनहांस करेगा। तो आई थिंक वो एक टीम वर्क बहुत बढ़िया था। जब वो होते हैं तो मस्ती के साथ साथ एक अच्छी फिल्म मिलेगी, और केमिस्ट्री जो कहते हैं ना कि एक्टर्स की केमिस्ट्री, वो मुझे लगता है इस फिल्म में आपको दिखेगी, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये मस्ती नहीं थी, ये दोस्ती यारी में था। जैसे जब दोस्त लोग मिलते हैं तो क्या होता है, तो इट वॉज लाइक दैट, वी आर नॉट को एक्टर्स ऑन द सेट, वी आर लाइक फ्रेंड्स। कितना सपोर्ट कर पाते हैं एक दूसरे को आप जब एक दूसरे की एनर्जी मैच करते हैं और बात करते हैं, तो सीन कितना इम्प्रूव हो जाता है, जो लिखा होता है सिर्फ डबल होता है कि एनर्जी नहीं हो रही होती? अरे डबल। देखिए क्या होता है कि व्हेन यू राइट अ सीन, उसमें मैंने अगर कोई डायलॉग लिखा है वो मैंने अपने स्टाइल से लिखा है, उस वक्त आप नहीं सोचते हैं कि इसको मनीष पॉल कैसे बोलेगा, फिर जब मनीष पॉल उसको पढ़ते हैं तो वो अलग एनर्जी से पढ़ते हैं और आप कहते हो यार ये तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था पर ये भी कुछ कमाल हो रहा है। तो वो जो एनर्जी है वो फिर आप फिर क्या होता है कि आपको बैलेंस करना पड़ता है, थोड़ा ओवर द टॉप कैरेक्टर्स हैं हमारे तो ज़्यादा ओवर द टॉप ना हो जाए, तो कभी जब ये ज़्यादा ऊपर जाते थे तो मैं नीचे आ जाता था, मैं ऊपर जाता था तो ये नीचे, तो यू हैव टू कीप बैलेंसिंग, क्योंकि हम दोनों मतलब वी आर लाइक बडीज़ इन द फिल्म, तो हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा काम था, तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके, एंड ही इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। And I have also. Manish, wish you all the best. Thanks, sir. Thank you. So much. Thank you. एक और बहुत बड़ी हिट हो जो पहले हुई थी. And wish you all the best. Thank you so much. Thanks, sir. Manish, बहुत ज़्यादा दावे की. नहीं हो ही गया. We're just taking pictures. हाँ जी आप हमारे थे. We'll just take pictures of both of you. I don't know, girls. Come soon. Make a straight line. Red girls भी थे. चलेगा? Good. Red girls को उधर रहने दो. आप लोग से. Ready everybody? Five. एक एक लड़की आ जाना बीच में. Robin आ जाए. Robin. Ready, bye. Ready, 5, 6, 7, 8, and still. Kacha. Acha. Let's go. Abhi, ruko. Aja. Main boss, aja boss. Aja. Ek boss ke saath still. Girls stand. Aja. Ready, everybody. Back to one. Ek still de do. एक बॉस के साथ स्टिल, एवरीबॉडी स्टे स्टिल, क्या बात है, या एवरीबॉडी स्टे स्टिल, गर्ल्स दिस इज माय मदर, या
everybody smile, still. Thank you, Mama. Shooting delay kar rahe. Thank you, everybody. Thank you so much, Mama. Chalo. Let's go. Chalo, feel clear, please. Okay, let's go. Abhi hum log kar rahe hain. Right here. Just static, girls, just look straight. Just like, yeah. Just attitude. Look straight, everybody. Attitude. Just look yeah. straight. Look at Gul. Her ladki beautiful kar gayi Gul. Lovely, super. Chalo, ready, let's go. Paper